बीबी जी, आपके डिजाइनर कपड़े रेडी होके आ गए हैं। हाँ रख दो। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ यहां से। जी मनाल बीबी, अगर आपने इसमें से कुछ पहनना हो तो बाकी चीज समेट दूं मैं। तुम्हें किस बात की जल्दी है? जल्दी तो नहीं है, बड़ी बीबी ने कहा था किचन समेटने को। पहले ये समेटोगी और फिर बाकी काम करोगी, और आइंदा मुझे कोई मशवरा मत देना, समझी? माफ कर दें साहब, माफ कर दें, माफ कर दें साहब, माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें साहब, माफ कर दें साहब, माफ कर दें। देख के चला करो ना, बेहतर। हाँ ये साफ कर देना सर। बेहतर। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओए डरे मत, मैं हूँ आपकी ईशा। मैंने थोड़ा फेस मास्क लगाया हुआ है। वालेकुम सलाम, ताका खौफ करो यार, चुड़ैल बन के आना तो पहले बता देती, छोटा सा दिल है, अभी हार्ट अटैक हो जाता मुझे। बस बस, अब इतना कमजोर दिल भी नहीं है आपका। अच्छा ये बताओ कि कहाँ जाने की तैयारी है? आज मिनाल की बर्थडे है। ओहो, तो आज आपके बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है, फिर तो तुम्हें बहुत खुश नजर आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मास्क के पीछे आप काफी उदास हैं? हाँ ना, अब ये मास्क ना लगा होता तो आपको सही एक्सप्रेशंस नजर आते, फिर आपको पता लगता आपकी बहन का मूड कितना ऑफ है। अच्छा तो मुझे वजह नहीं बताओगी? भाई आपको तो पता है ना, मिनाल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ तो दो, मना किसने किया? कहाँ से दो, अम्मी ने 5,000 रुपए दिए और कहा है इसमें ले लो जो लेना है। अब मुझे आप ही बताएं, आजकल के जमाने में 5,000 रुपए में कौन सा अच्छा गिफ्ट आता है? मतलब मेरी चुड़ैल को गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए? चाहिए ना, मगर अम्मी ने 5,000 देते हुए ना 10 बातें सुना दी थी। आपको पता है आज तो मैंने ख्वाब भी देखा था, मैंने सिंड्रेला वाला ड्रेस पहना हुआ है और मुलाजमा मुझे जूस पेश कर रही है। अच्छा फिर? फिर क्या, मैंने जैसे ही जूस के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अम्मी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और कहा बच्चे आज यूनिवर्सिटी से ऑफ है ना, चलो सफाई करो। ये तो तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है। भाई अम्मी तो मुझसे ख्वाब में भी काम करवाती रहती हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा सही और गलत की तमीज सिखाना मेरी तरबियत का हिस्सा है। भाई देखे जरा, फिर से इन्होंने लेक्चर शुरू कर दिया है। अम्मी ना डाटा करें, ये तो पहले ही बहुत बिगड़ी हुई है बेटा, तुम और शह दे रहे हो इसे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, इतनी मासूम और प्यारी सी तो है मेरी बहन। अम्मी को ना मुझसे हर वक्त ही शिकायत रहती है, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, आप लोग और मुझे तंग नहीं करें। अपना फोन चेक करो। कौन? बहुत खतरनाक। भाई थैंक यू, यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड। अम्मी मैं तो जा रही हूँ बाजार। अच्छा बात सुनो, अपना ख्याल रखना। देख रही हूँ मैं, इसने एक फजूल सी फरमाइश की है और तुमने फौरन पैसे ट्रांसफर कर दिए।
अम्मी थोड़े से तो पैसे हैं, मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन है, कभी नहीं बिगड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, चलो बेटा मैं उसे देखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ईशा जी। अम्मी कहाँ जा रही हो? मनाल के लिए गिफ्ट लेने, अभी तो भाई ने पैसे भेजे। बेटा कितनी बार तुमसे कहा है कि दोस्ती अपने हम पल्ला लोगों से की जाती है, कहाँ वो कहाँ हम। अम्मी अब हर बार यही कहती हैं। अच्छा इसलिए हर बार कहती हूँ कि एक बार की कही भी बात तुम्हारे दिमाग में समाती जो नहीं है। छोटा जहन कह के ना मेरी इंसल्ट मत करें, अब फ्यूचर की MBBS डॉक्टर से बात कर रही हैं। फ्यूचर की MBBS डॉक्टर साहिबा जरा मैच्योर हो जाओ, हद है भाई। तुम्हें पता भी है वहाँ तुम्हारा भाई पढ़ भी रहा है कमा भी रहा है, और यहाँ तुम बैठे बैठे फरमाइशें करके उससे पैसे मंगवाती रहती हो। मेरी प्यारी अम्मी मैं कब भाई से कोई फरमाइश करती हूँ, अब उन्होंने खुद गिफ्ट के पैसे भेजे। एक काम करते हैं मैं उनको पैसे वापस कर देती हूँ, और नहीं चाहती मैं नॉन की बर्थडे पार्टी पर। नहीं जाती। मेरे कहने पर जैसे तुम रुक जाओगी और मिनाल से दोस्ती खत्म कर दोगी। मेरी प्यारी अम्मी मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है भाई, रुको रुको रुको। कितनी मर्तबा तुमसे कहा है कि बाहर जाने से पहले दुपट्टा सर पर लेकर जाया करो, ऐसे। ठीक है सही है, अब मैं जाऊं। जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। मैम आपके पैरों में अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली ना मैं अपनी दोस्त के लिए लेने आई हूँ, उनका मेरा साइज सेम है, लेकिन अगर साइज का इशू होगा तो आप चेंज कर देंगे ना? जी आप ले आइएगा, अगर साइज का कोई भी इशू होगा तो चेंज हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, आप प्लीज ये पैक कर दें। ओके मैम, थैंक यू। फनाल को ये बहुत अच्छा लगेगा। ये ले आपके 15,000। मैम ये 1.5 लाख का है। प्राइस चेक कर सकती हैं? इट्स नॉट फॉर 15,000। 1.5? जी ये देखिए प्राइस। ये कहाँ से आया? TCS वाला दे के गए। Beautiful. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Manal. Happy birthday to you. Thank you so much, Baba. आपको याद रहा। अगर आप भूल जाते ना तो नाराज होना था मैंने आपसे।
अरे मेरा बेटा, तुम्हारी बर्थडे भी कोई भूलने वाली चीज है क्या? कैसा है मेरा बेटा? ऑफ कोर्स खुश हूँ, लेकिन आप यहाँ होते ना तो ये खुशी बढ़ जाती। बेटा काम में फंसा हुआ हूँ, वरना आ ना जाता। आई नो, तुमसे दूर हूँ तो क्या हुआ? तुम्हारा आज का फंक्शन बहुत अच्छा होगा। अब जलाल भाई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स शानदार ही होगी। वो तो है। वैसे बाबा, आप भी यहाँ नहीं है और अशर भी नहीं है, और उसने तो मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। और आप देखेगा, अगर उसने मुझे नहीं विश किया ना, वो अगर मेरी बर्थडे भूल गया तो मैं कभी बात नहीं करूंगी उससे। नहीं, तुम्हारी बर्थडे भूलने वाली चीज है नहीं। वो नहीं भूलेगा, लेकिन अगर वो भूल गया तो फिर मैं भी अशर से बात नहीं करूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। ग्रेट। इतना अच्छा तो है ये हैंडबैग, मिनाल को पसंद आएगा। तुम क्यों मुंह बनाए लेटी हो? अम्मी, आपको पता है ब्रांडेड जूते कितने महंगे होते हैं? मैं खरीद भी नहीं सकी। जब से तुम्हारी मिनाल से दोस्ती हुई है ना, तुम्हारे गिले शिकवे बढ़ने लगे। अपने जैसियों से दोस्ती की होती ना तो आज गिफ्ट खरीदने में तुम्हें इतनी मुश्किल ना होती। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तोहफे में जूते देता कौन है? अम्मी, अब मिनाल को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है मैं उसको वही दूंगी ना। तौबा है तुम लड़कियों को भाई, मैं तो नहीं समझ सकती। जो जी में आए करो। उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपसे टकराए और आपने सिर्फ हाथ को चल के छोड़ दिया। शूट कर देना चाहिए था उसको। फिलहाल इतना सबक काफी है उसके लिए। चाय दूं आपको? जब चाहिए होगी तब ले लूंगा, रख दो। मैंने तो आदत है सुगर बीवी और बहू बनने की ही कोशिश करती रहती है। बेचारे बुरी तरह से नाकाम है इसमें। I'm leaving. आता हूँ। क्या मतलब भाई? Reminder call लगाई हुई थी। It's a very important meeting. आपने आज के दिन भी meeting रख ली? क्या करूँ? I think maximum I'll be back in 2 hours. इस घर में मेरे किसी को फिकर नहीं है। अशर ने अभी तक मुझे wish नहीं किया। बाबा को भी मेरी फिकर नहीं है। मेरी कोई importance है इस घर में? Oh, relax, relax, relax. Good day, relax. सबको तुम्हारी फिकर है और तुम्हारी बर्थडे तुम्हारे हिसाब से होगी। ओके, डोंट वरी, सब वहां पे होंगे। ओके, रिलैक्स। मैं जाऊं? आप जी, आप जाएं, पर आप प्लीज जल्दी आ जाएगा। जो काम, बस जाता हूँ और आता हूँ। ओके, बाय बाय। तुम कब आए?
जब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मेरा ध्यान कहाँ होगा? अरे चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ला। किसके साथ थी तुम रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में क्या क्या किसकी बात कर रहे हो? जिसके साथ हाथों में हाथ डाल के बैठी हुई थी, कौन है वो? छोड़, दर्द हो रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि दर्द हो तुम्हें। कौन था वो? क्लाइंट के साथ इतनी बेतकल्लुफी के हाथों में हाथ डाल के बैठ गई तुम। बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें मैं? सच कह रही हूँ, क्लाइंट था। कई बार मेरे आउटलेट पे आ चुका है कपड़े बनवाने, इसलिए दोस्ती हो गई थी। मेरा पैसा इस्तेमाल करके आज तुम इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई कि गैर मर्दों के साथ दोस्तियां करने लगी। भूल गए तुम किससे पहले तुम क्या थी? याद है, कैसे भूल सकती? जब याद है ये क्यों भूल जाती हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? मुझसे निकाह करके गैर मर्दों से इतनी बेतकल्लुफी। कैसी बेतकल्लुफी? सिर्फ एक कैजुअल मीटिंग थी, और दुनिया से छुपकर निकाह में रखकर तुम ही मुझ पे एहसान जताते आए हो। क्यों नहीं मुझे इंट्रोड्यूस करवा देते अपनी बीवी की हैसियत से? ऐसा है क्या तुम मैं के इंट्रोड्यूस करवाऊं? हंसा से तो बहुत ही बेहतर। नाम मत लेना अपनी जबान से उसका। तुम्हारी तरह डाल डाल पे मंडलाने वाली तितली नहीं है वो। तुम ज्यादती कर रहे हो जान। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और तुमने मुझसे निकाह अपनी मर्जी से की। और इस निकाह का सबसे ज्यादा फायदा भी तुम्हें है वो। रातों रात फैशन डिजाइनर बन गई। सोचो कि अगर मैं तुमसे अपना हाथ हटा लूं तो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्यों हटाओगे यार, जब मैं रहना ही तुम्हारे साथ चाहती हूँ। रहना चाहती हो तो ये तमाशे क्यों करती हो फिर? तुम्हें बुरा लगा? बहुत बुरा लगा मुझे। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आइंदा नहीं होगा, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर जो चोर की सजा हो मेरी। अम्मी चलो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अम्मी कहाँ है आप? क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रही हो? अम्मी मुझे आप जल्दी से बताएं ना, अब मैं इस ड्रेस के साथ मैं ये वाली हील्स पहनूं या ये वाली? जल्दी ये, मुझे भी यही पसंद है। वापसी कब तक होगी बेटा? अम्मी मैं अभी तक गई नहीं हूँ और आपको वापसी की टेंशन हो गई है। अरे भी टेंशन कैसे ना हो, अकेली जा रही हो तुम? मिनाल ने मुझे कहा था कि वो अपने ड्राइवर के साथ ड्रॉप करवा देगी। ड्राइवर से? बेटा मुझे तुम्हारा इस तरह के बड़े लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। सब अमीर लोग एक जैसे नहीं होते, मिनाल और उसकी फैमिली बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी मेरा इतना आना जाना है उनके घर में, सब लोग मुझे बहुत इज्जत और प्यार से ट्रीट करते हैं। फिर भी बेटा, अम्मी अब आप इस तरह परेशान रहेंगे तो मैं कैसे वहाँ जाके इंजॉय करूँगी? एक काम करते पर मैं इतना जाती ही नहीं हूँ। अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम्हारी कैब भी आ गई है। जाऊं? जाओ। अच्छा ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी बेटी मुझे ऐसे ज्यादा अच्छी लगती है। इतनी अच्छी कि कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। मम्मी चलिए ठीक है, मैं जाऊँ, मैं लेट हो रही हूँ। बाय बाय। लेकिन दुपट्टा तुम्हारे सर पर रहना चाहिए। हाँ, ठीक है ठीक है। तू जल्दी जा रहे हो?
कितना अच्छा होता अगर हम साथ में डिनर कर लेते। आज बर्थडे है ना मनाल की, वो सेलिब्रेट करनी है। आई थिंक तुम्हें याद नहीं है शायद। ओ, भूल गई थी। भूल गई थी, मुझसे जुड़ी सारी बातें भूल ही जाती हो तुम। अच्छा है ना, ऐसी बातें याद रहे तो दिल जलता है। तुम वहां फैमिली टाइम एंजॉय कर रही होगी और मैं यहाँ पर अकेली। कितना अच्छा होता ना अगर मैं भी तुम्हारे फैमिली फंक्शन में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की हैसियत से चल सकती। क्यों ना हम बेबी प्लान करें। देखो बेबी होगा तो मैं बिजी हो जाऊंगी, तुम्हें ज्यादा तंग भी नहीं करूंगी, तुमसे वक्त भी नहीं मांगूंगी। यू नो व्हाट, मुझे ना प्रेग्नेंट औरतों से सर्टेन किस्म की चिढ़ होती है, और तुम अगर प्रेग्नेंट हो गई तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगोगे। तुम्हें कोई फर्क महसूस नहीं होगा जितना कह रहा हूं ना, उसको बहुत समझो। बाय। मनाल जी, चलो चल के केक काटते। ठीक है भाई, लेकिन आप देख लें आशा ने मुझे अभी तक विश नहीं किया है। क्या कह सकता हूँ। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी क्यूटी की बर्थडे पे ना आता। आशर, what a surprise! Here my brother, bye. आशर, what a surprise! क्यूटी Happy birthday. Assalamualaikum भाभी। वालेकुम अस्सलाम। देख लिया? यार तुम नहीं आते ना फिर बताती मैं तुम्हें। Seriously? नहीं आता ना, बहुत बुरी पेनल्टी डाल दी थी उसने। बता रहा हूँ। How could I miss it भाई? आ गया हूँ मैं, देखें आ गया हूँ। Good. अच्छा अब तुम जल्दी से जाओ, चेंज करो, केक भी काटना है। जी मैम, just give me 2 minutes. Go. क्या यार अब चेंज करने भेज दिया उसे। वो एयरपोर्ट के कपड़ों में है ना, अच्छा लगेगा। चलो चलो हम वहां चल। हाँ जाओ, आता है तो मैं आता हूँ। आज तुम्हारी मिडिल क्लास दोस्त नजर नहीं आ रही। लगता है मिनाल ने उसे इनवाइट ही नहीं किया होगा। शी इज ऑलरेडी हियर। ओ गॉड, मिनाल तुम्हें फ्रेंडशिप के लिए यही मिली थी क्या? देखो मुझे यूनिवर्सिटी में ना एक असिस्टेंट की जरूरत होती है जो मेरे मूड का ध्यान रखे, जो मेरे असाइनमेंट्स बना दे और जो मेरा गिरा हुआ पेन झुक के उठा दे, और ये सारे काम ना ईशा बहुत अच्छे से कर लेती। वाओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे अपने साथ रख के उसकी वैल्यू बढ़ा रही हो? आई डोंट थिंक सो। लुक एट हर, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इनसिक्योरिटी हो? जब वो मेरे साथ चलती है ना तो सबकी नजरें मुझ पे होती हैं। Wow.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mana. Happy birthday to you. भाई चले भाभी आप ही खा लो. चलो. और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी. Yes, thank you. अम्मी तो बहुत गुस्सा होंगी. इतना लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए. इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैं तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं. अच्छा जी, कैसे हैं आप? सच पूछो तो तुम्हारे बगैर अधूरा, नामुकम्मल. आशुर, जस्ट Just give me a minute, I'll be back. आपने फार्मोफा इतनी जहमत की, मिनाल मुझे ड्राइवर के साथ भेज तो रही थी. भाई जब मैं हूँ तो ड्राइवर क्यों? तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मगर मेरी वजह से आप पार्टी छोड़ के आ गए तो मैं बस इसलिए. भाई तुम्हारे बाद किस कमबख्त का दिल लगना था उस पार्टी पर, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपका ड्राइवर ही बन जाऊं. इसी बहाने आपके साथ चंद लम्हे मिल जाएंगे गुजारने को. You know what, Isha? It's really missing you. अच्छा जी. हाँ, तुम्हें पता है इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ मैं तुम्हें. अभी तो ठीक से देखा भी नहीं मैंने तुम्हें. इंतजार तो मुझे भी बहुत था. अगर इस बार ना आपने बहुत देर कर दी. अरे सॉरी यार, वो बस सेमेस्टर शुरू होने वाला था तो बस उसकी मसरूफियत. फिर चले जाएंगे? जाना तो पड़ेगा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आने के लिए. इस बार हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे ना? Of course, हमेशा के लिए तुम्हारे पास. अब क्या हुआ ईशा? अशर, अब अपने घर वालों से कब बात करेंगे? Soon, very soon. ये तुम्हारा घर कुछ जल्दी नहीं आ गया? जी. अब ईशा. अशर. एक मिनट. ये रोका क्यों? ये सब इस तरह? इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ. कल को भी तो सबके सामने ये सब होना ही है, तो आज हो जाए तो क्या बुराई है? वो सब तो ठीक है अशर, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरी ख्वाहिश समझ के पहन लो, बहुत अच्छी लगेगी तुम पे. वेट अ मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि यू डोंट ट्रस्ट मी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है. तो फिर क्या परेशानी है ईशा?
अच्छा सुनो, कल कहीं बाहर मिले? कल? कल तो मुश्किल हो जाएगी, और वो भी बाहर। लो जी, एक तो मैं आपको मिलने के लिए इतना दूर से आ सकता हूँ, आप मुझे मिलने के लिए चंद लम्हे नहीं निकाल सकती। You know what, Tisha? You really hurt me sometimes. अच्छा बाबा, मुझे थोड़ा टाइम दें, आपको सोच के बताती हूँ। आपने जितना टाइम लेना है आप लें, लेकिन जवाब ना मुझे खाम ही चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी तो जाने दे, देख लेगा। ठीक है ठीक है, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ईशा जी अम्मी, देर हो गई तुम्हें? जी अम्मी, आज फंक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। ड्राइवर छोड़ कर गया? नहीं, अशर ड्रॉप करके गए। अशर कौन? मिनाल का भाई। अच्छा। मैंने मिनाल को मना किया था, मगर मिनाल के घर वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इसलिए ड्राइवर के साथ नहीं भेजा, अशर खुद ड्रॉप करके गए। ये अंगूठी कहाँ से आई?